हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप एक एचपी की पावर सप्लाई देख रहे हैं, ये देखिए इसमें 3 पिन में है, ब्लैक, ग्रे और ये ग्रीन, और इधर 4 पिन है, इधर भी 4 पिन है। तो ये एचपी की पावर सप्लाई है, ये देखिए। तो इसको हम रिपेयर करेंगे, तो पूरा वीडियो देखिए बिना स्किप किए हुए, तो आप ज़रूर रिपेयर कर पाएंगे अगर पूरा वीडियो देखेंगे। अगर आपको थोड़ा बहुत भी रिपेयर करना आता है तो इजीली रिपेयर कर लेंगे खुद ही, और अगर नहीं रिपेयर कर पाते हैं, मैंने नंबर दिया हुआ है, आप उस पर कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, तो मैं एड्रेस वगैरह आपको प्रोवाइड करवा दूँगा, आप भेज सकते हैं रिपेयरिंग के लिए। अदरवाइज़ अगर आपको दूसरी SMP चाहिए, मान लीजिए नहीं रिपेयर हो रही है आपकी, आप खुद भी कर रहे हैं, तो हमारे पास अवेलेबल होता है, हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे, कहीं भी इंडिया में हम कुरियर कर देंगे। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हम बहुत सारी वीडियो रिपेयरिंग की आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए इस बार एक बार इसमें पावर लगा कर देख लेते हैं कि इसमें PS ऑन आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखिए, PS ऑन अगर आ रहा है तो उसमें थोड़ा सा हमें पता चल जाता है इनपुट में प्रॉब्लम हो सकती है, आउटपुट में। तो देखिए, ग्राउंड कहीं से भी आप दे सकते हैं इसमें, तो हम यहाँ से 4 पिन के कनेक्टर पर दे देंगे, और जो PS ऑन चेक करेंगे एक ग्रीन वाली पिन पर चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए PS ऑन नहीं आ रहा है, ये देखिए कुछ भी नहीं आ रहा है। और एक चीज़ और बता दूँ, अगर आपको शॉर्ट करके इनमें चेक करना है तो ये ग्रीन ब्लैक यहाँ से भी शॉर्ट कर सकते हैं, या ब्लैक यहाँ से ग्रीन यहाँ से, आप कैसे भी शॉर्ट करके चेक कर सकते हैं। फैन मूव करना चाहिए तो आपका ज़्यादातर चांसेस है कि सप्लाई ओके रहती है। तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं, ओपन करके फिर एक बार देखते हैं कि इसमें प्रॉब्लम कहां पर है, ये ऑन क्यों नहीं हो रहा है। अब एक तो हम ऐसे फिजिकल देख सकते हैं इसमें कि फिजिकल कुछ कंपोनेंट ख़राब दिख रहा है, जैसे कैपेसिटर हो गया या ये फिल्टर हो गया, तो यही सब हमें फिजिकली दिख सकता है, या MOSFET फटा हुआ हो। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि कहीं हमें फिजिकल दिख रहा है, देखिए कहीं भी फिजिकल कोई कंपोनेंट ख़राब नहीं दिख रहा। अब हमें चेक करना पड़ेगा कि इसमें प्रॉब्लम है कहाँ पर, तो उसके लिए आप तो स्टेप बाय स्टेप देखिए कैसे चेक करते हैं। तो इसमें देखिए, जो सबसे पहले हमें चेक करना है, एक तो ये फ्यूज चेक करना है। अब इसमें फ्यूज अगर सही होगा तो आउटपुट में चेक करेंगे, कोई IC वगैरह तो नहीं खराब है, रेजिस्टेंस तो नहीं खराब है, लो वैल्यू की रेजिस्टेंस ज़्यादा खराब होती है इनकेस में। और अगर फ्यूज खराब होगा तो फिर हम चेक करेंगे ये ब्रिज डायोड, ये देखिए ये शॉर्ट तो नहीं है। अगर ब्रिज डायोड शॉर्ट नहीं है फिर ये MOSFET चेक करेंगे, अगर ब्रिज शॉर्ट दिखा रहा है, MOSFET भी शॉर्ट दिखा रहा है, तो सबसे पहले MOSFET निकालिए, क्योंकि ब्रिज डायोड जल्दी शॉर्ट नहीं होता है। तो MOSFET निकाल के फिर चेक कीजिए ब्रिज डायोड शॉर्ट दिखा रहा है या नहीं, अगर दिखा रहा होगा तो इसको भी निकालिए, अदरवाइज MOSFET ही लगा के आप देख सकते हैं। और अगर शॉर्टिंग है तो पहले सारा चेक कर लें बैक साइड में कि कोई ए डायोड, ए ट्रांजिस्टर, ये सब तो कोई और शॉर्ट नहीं है, उसके बाद ही कंपोनेंट चेंज करें। तो चलिए इसमें चेक करते हैं, सबसे पहले हम फ्यूज चेक करेंगे। कंटिन्यूटी पर कर लेंगे मल्टीमीटर को, तो देखिए फ्यूज ये लगा हुआ है, तो यहाँ पर देखिए अभी तो फ्यूज़ ख़राब है, अभी देखिए फ्यूज़ ख़राब मिल गया। अब हम ब्रिज डायोड चेक करेंगे, ब्रिज डायोड है, ये देखिए अब ये शॉर्ट दिखा रहा है, ब्रिज डायोड पॉजिटिव निगेटिव शॉर्ट दिखा रहा है। अब इसमें ये भी हो सकता है कि ब्रिज डायोड भी ख़राब हो या MOSFET भी ख़राब हो सकता है। तो अब देखिए अब MOSFET चेक कर लेंगे, ये MOSFET लगा हुआ है, ये देखिए ये MOSFET शॉर्ट है। अब हम MOSFET निकालेंगे, उसके बाद हम फिर ब्रिज डायोड चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अब मैंने इसको ड्राई शोल्ड कर लिया है MOSFET को, तीनों लगे, PCB से कनेक्शन हटा दिया है। अब देखिए जो ब्रिज डायोड शॉर्ट दिखा रहा था, अब चेक करिए, ये देखिए देखिए शॉर्टिंग नहीं है अब, ये देखिए, तो इसका मतलब ये MOSFET हमारा ख़राब है। अब MOSFET निकालने के बाद यहाँ की शॉर्टिंग हट गई, अब हम ये भी चेक कर सकते हैं कि ये ख़राब है या सही। इसके देखिए ये 2 लेग ख़राब है। अब और भी कंपोनेंट हम चेक कर सकते हैं, ये देखिए
अभी तो और कुछ ख़राब नहीं दिखा रहा है, बट ये आईसी भी कई बार ख़राब होती है, तो आईसी भी आप चेक कर सकते हैं। अब आईसी चेक करने के लिए इसकी डेटा शीट अगर आपको पता है कि कौन सी पिन ग्राउंड है, और यहाँ पे एक प्रोब ग्राउंड पर रखिए मल्टीमीटर का कोई सा भी, और दूसरा इस आईसी के ऊपर ले जाइए, तो अगर ग्राउंड के अलावा और भी कोई पिन शॉर्ट दिखा रहा है तो इसका मतलब कि आईसी शॉर्ट है। तो उसके लिए इसकी डाटा शीट चाहिए। अगर डाटा शीट नहीं है तो आप मॉस्फेट लगा के चेक कर सकते हैं, और हो सकता है अगर शॉर्ट हो तो मॉस्फेट दोबारा उड़ जाएगा। तो इसमें देखिए मॉस्फेट लगा हुआ है 10A60, ये जो मॉस्फेट खराब है वो 10A60 है, तो ये हमें चेंज करना पड़ेगा। अब देखिए इसको आप चेक भी कर सकते हैं, अब यहाँ पर भी ये शॉर्ट ही दिखाएगा। ये देखिए ये शॉर्ट दिखा रहा है, और अब यहाँ पर पीसीबी में भी एक बार हमें चेक करना चाहिए, क्योंकि और कुछ कंपोनेंट शॉर्ट होगा तो यहाँ भी शॉर्टिंग शो होगा, बट अभी और कोई कंपोनेंट शॉर्ट नहीं ले है लग रहा है, क्योंकि यहाँ कहीं शॉर्टिंग हमें नहीं मिल रही है। इसकी आईसी की जो ग्राउंड पिने हैं वही शॉर्ट शो हो रही हैं। तो अब ये हम चेंज करके देखेंगे और उसके बाद पता चलेगा कि हमारा सप्लाई ओके होता है या नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने शॉर्ट कर दिया है ग्रीन वायर को, ग्रीन और ब्लैक को से कनेक्टर से, और ये फैन देखिए मूव कर रहा है, तो इसका मतलब सारी वोल्टेज बन गई है। अब अगर हम मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो सारी वोल्टेज हमें प्रॉपर मिलेगी। ये देखिए। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई और नए फॉल्ट के साथ। तो आपने देखा होगा कि इजिली कैसे शॉर्टिंग को हम फाइंड कर सकते हैं।